जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नवेद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मिक्स्ड वेज। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और गैस ऑन करेंगे। पैन में हम डालेंगे तेल करीबन 2 बड़े चम्मच। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये हमने लिए हैं साबुत धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता और 4-5 सूखी लाल मिर्च। मसालों को हम धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े टमाटर जिन्हें हमने रफली काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं, आइए तब तक हम इसकी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर से गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे करीबन 4 बड़े चम्मच। हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। ढाबा स्टाइल मिक्स्ड वेज बनाने के लिए हम सभी सब्जियों को एक एक कर फ्राई करेंगे। हम इसमें उबाल कर सब्जियों को नहीं डालेंगे। फ्राई करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें 80% तक कुक करना है, बाकी का 20% सब्जी बनाते वक्त वो अपने आप कुक हो जाएंगे। अगर आप इन्हें ज़्यादा कुक कर लेंगे तो सब्जी बनाते वक्त ये सब्जी बहुत मैशी हो जाएगी और वेजिटेबल्स प्रॉपर फॉर्म में नहीं होंगे। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गोभी भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाजर भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फ्रेंच बीन्स को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बीन्स को भी हमने फ्राई कर लिया है, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए शिमला मिर्च को भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मटर को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मटर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है, 4 मिनट हो चुके हैं, आइए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे
और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी में इसे बारीक पीस लिया है। बचे हुए तेल में हम डालेंगे 2 चम्मच बटर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च। इन सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हमें थोड़ी सी डालनी है सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हम पहले भी साबुत लाल मिर्च डाल चुके हैं, इसलिए ज़्यादा तीखा ना हो। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसे पहले भी पका चुके हैं। बस थोड़ा सा उबाल आ जाए और फिर उसमें हम वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। देखिए, ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें सभी सब्जियों को डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए ध्यान से डालें। अमचूर पाउडर, पनीर, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करते हुए। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1/2 कप पानी, क्योंकि मिक्स वेजिटेबल सूखी होती हैं, इसलिए हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मिक्स्ड वेज बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे एक ड्राई रोस्ट मूंग दाल पापड़, जो नॉर्मली ढाबे पर खाई जाने वाली मिक्स वेज में डाला जाता है। इसे हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे। इससे सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हरा धनिया, और ये देखिए, मिक्स वेज तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ढाबा स्टाइल मिक्स्ड वेज बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।